नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा, मेरे पास एक सेट आया है, जियो ऐप 220 का सेट है। ये देखना दोस्तों, इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा दूं। ये जियो ऐप 220 का सेट है, देखना दोस्तों, ये इसका मॉडल नंबर मिट गया है दोस्तों। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको मल्टीमीटर से चेक कराता हूँ दोस्तों, और ये देखना, इसमें फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है दोस्तों। इसे उल्टा कर लेते हैं, ये देखना, और मैं इसके बैटरी कनेक्टर पे लगाता हूँ। ये देखना, ये दोस्तों शॉर्टिंग बता रहा है। तो इसे दोस्तों दूर कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैं इसे बॉडी से बाहर निकालता हूँ। तो ये दोस्तों फुल शॉर्ट है, तो आज का इस वीडियो में यही सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, जो इसकी शॉर्टिंग आ रही है वो हम दूर कैसे करें। तो दोस्तों अगर ये फोन सही हो जाए तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपका काम बन जाए तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे दोस्तों फाइन करेंगे, चेक करके दिखाते हैं आपको। ये देखना, यहाँ पे देखना दोस्तों, फुल शॉर्टिंग बता रहा है। ये देखना, यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट है, ये आप फुल शॉर्टिंग बता रहा है दोस्तों। और यहाँ पे देखना, एक प्लस का आइकन है, यहाँ पे भी देखना फुल शॉर्टिंग बता रहा है। तो दोस्तों इसको हम फाइन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको ये कैपेसिटर चेक कर लेना है। ज़्यादातर इसमें जो सेट के अंदर होते हैं वो कैपेसिटर ही शॉर्ट निकलते हैं। तो दोस्तों आपको कैपेसिटर चेक कर लेना है, हमारा कहीं कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। तो दोस्तों अभी मेरा ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है, तो दोस्तों हम इसे अभी हटाएंगे नहीं। सबसे पहले दोस्तों हमें बोर्ड की जो पत्ती है वो हटा लेनी है, जैसे कि हम इस प्लेट को हटा लेते हैं और इस प्लेट को भी हटा लेते हैं दोस्तों। इसका बोर्ड पूरा क्लीन करके देखेंगे दोस्तों, हमारे बोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो मैं इसकी ये भी प्लेट हटा देता हूँ। ये देखना दोस्तों, मैंने इसको हटा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, मुझे इसमें डाउट लग रहा है, इसकी जो नेटवर्क आईसी होती है वो शायद मुझे शॉर्ट लग रही है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये देखना दोस्तों, यहाँ पे जो नेटवर्क आईसी दिख रही है आपको, ये देखना दोस्तों नेटवर्क आईसी है ये। ये देखना थोड़ी तिरछी हुई है और थोड़ी चटकी हुई है। तो दोस्तों मैं इसकी जो पत्ती होती है ये वाली हटाता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर की पोजीशन क्या है। तो इसे मैं हटाता हूँ। ये देखना, मैंने इसे पत्ती को तोड़ दिया है दोस्तों। आपके पास कटर है तो कटर की मदद से इसे पत्ती को तोड़ देना है दोस्तों। तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। ये देखना, मैंने दोस्तों यहाँ की पत्ती तोड़ दी है। अब ये देखना दोस्तों, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और थोड़ा और तोड़ते हैं इसे भी, हमारा काम नहीं बनेगा। तो ये थोड़ी और मैंने तोड़ दी है दोस्तों। ज्यादातर इसमें कैपेसिटर ही ज्यादा शॉर्ट होते हैं, और ज्यादा में ज्यादा ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाते हैं, कभी कभी डायोड भी हो जाते हैं दोस्तों। हमें डायोड वगैरह चेक कर लेने अच्छे से। तो मेरे समझ से दोस्तों ज्यादातर इनमें यही प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ज्यादातर यहाँ नेटवर्क आईसी से और कैपेसिटर, और बाजी बाजी टाइम ये वाले कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी ये रिले लगी हुई है, ये भी शॉर्ट हो जाती है। ये देखना, यहाँ पे ये रिले लगी हुई है, और यहाँ नेटवर्क ऐसी थे जो रिले लगी हुई है, ये भी खराब हो जाती है। तो मैं दोस्तों अभी आपको जो मेरी नेटवर्क ऐसी है इसको मैं रिमूव करके देखूंगा, और मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखूंगा होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये मुझे कैपेसिटर रिमूव करना है दोस्तों। पहले हम चेक करते हैं इसे, हमारा शॉर्ट तो नहीं हो रहा ये। तो इसे मैं चेक करूंगा दोस्तों। ये देखना, मेरा यही वाला दोस्तों मुझे रिमूव करना होगा, क्योंकि मेरा यही शॉर्ट हो रहा है। देखना, मैं आपको दिखा दूं, देखना ये वाला, यहाँ पे मेरा फुल शॉर्ट बता रहा है दोस्तों। तो ये मुझे कैपेसिटर यहाँ से रिमूव करना होगा। ये देखना दोस्तों, आपको नजदीकी से दिखा दूं, यहाँ पे यही वाला शॉर्ट हुआ, देखना ये वाला। तो दोस्तों मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो
इसे मैं रिमूव करता हूँ आपके सामने दोस्तों, लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ फुल शॉट बता रहा है, देखना इसे मैं हटाता हूँ। देखना मैंने हटा दिया। अब मैं अपने फ़ोन की शॉटिंग चेक करता हूँ, अब शॉर्ट तो नहीं हो रहा मेरा सेट। तो ये देखना, रेड क्रॉप मुझे ग्राउंड पे रखना और ये प्लस पे रखना है। अब भी दोस्तों मेरा सेट फुल शॉट बता रहा है दोस्तों। तो मुझे अब दोस्तों क्या करना है, ये वाला कैपेसिटर चेक कर लेना है। ये वाला तो ठीक है दोस्तों, मुझे अब नेटवर्क आईसी इसकी रिमूव करनी है। तो थोड़ा फिर इसे चेक करते हैं, ये वाला कैपेसिटर अपना, ये भी दोस्तों फुल शॉट बता रहा है। तो इसको भी दोस्तों हम रिमूव करेंगे, इसको भी हम रिमूव करेंगे उसके बाद, जब ये नेटवर्क आईसी रिमूव कर रहे हैं। पहले हम नेटवर्क आईसी हटा देते हैं। देखना मैंने नेटवर्क आईसी हटा दी है, अब हम चेक करते हैं अपनी शॉर्टिंग। देखना दोस्तों मेरी शॉर्टिंग अब दूर हो गई है। ये देखना मैंने यहाँ की नेटवर्क आईसी निकाल दी है। अब मैं अपनी चेक करता हूँ इसमें, देखना मीटर में मेरी रीडिंग ठीक आने लगी है। क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है वो नेटवर्क आईसी की जरिए से आती है जब डेड होता है। अब देखना मैं अपने सेट का सेट ऑन करके देखता हूँ, ऑन होता है या नहीं होता है। और इसमें दोस्तों जब मैं ऑन करूँगा तो नेटवर्क रनिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी। देखना दोस्तों मेरा सेट ऑन हो गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें नेटवर्क रनिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी जैसे ही ये सेट ऑन होगा। तो इसमें नेटवर्क है वो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो मैं इस वीडियो में ही इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो आपका सेट नेटवर्क रनिंग करने लगेगा दोस्तों। तो सेट ऑन होगा तब तक बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। तो मैं अभी सेट पूरा ऑन नहीं होने देता हूँ, इसमें नेटवर्क रनिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी अब दोस्तों। क्योंकि हमने जो नेटवर्क आईसी है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है इसलिए। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक जम्पर वायर ले लेनी है। तो मैं आपको ये देखना, मैंने ये जम्पर वायर ले ली है। और आपको दोस्तों जम्पर करना है वो कहाँ से कहाँ के लिए करना है मैं आपको समझा देता हूँ अभी। आपको करना है, देखना मैं अभी आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा दोस्तों। नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम आने लगेगी आपके साइड में जब आप आईसी को रिमूव कर दोगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये प्लस पॉइंट होता है, जो मैंने अभी कैपेसिटर हटाया है वो प्लस पॉइंट होता है। देखना मैं आपको दिखा दूं जो जम्पर मैं कहाँ मार रहा हूँ, आपको समझाऊंगा। पहले ये देखना यहाँ पे दोस्तों एक कैपेसिटर लगा हुआ था। तो दोस्तों ये इधर वाला जो ये वाला हिस्सा, ये दोस्तों ग्राउंड होता है और ये वाला दोस्तों पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों हमें जो पॉजिटिव सिरा है, और यहाँ पे दोस्तों ये रिले लगी हुई है, यहाँ पे एक रिले लगी हुई है। तो रिले के दोस्तों इस पार एक जम्पर कर देना। तो दोस्तों मैं अभी नहीं, ये रिले है मैं इसको भी हटा देता हूँ आपके सामने लाइव प्रूफ दोस्तों। तो मैं इसे हटाता हूँ अभी आपके सामने, ये देखना मैंने इसे रिले हटा दी है। और मैं अपना जम्पर दोस्तों यहाँ पे करूँगा रिले के इस पार दोस्तों। देखना ये मेरी रिले मैंने हटा दी। अब दोस्तों इस वाले पे आपको जम्पर कर देना है। मैं आपको अभी झंपड़ करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखना मैं रिले के उस पार झंपड़ कर रहा हूँ दोस्तों। सेट जब भी डेड होता है, या तो कहीं कैपेसिटर है या कोई ऐसी शॉर्ट हो रही है आपस में, ये देखना मैंने यहाँ पे झंपड़ मार दिया। अब पहले मैं आपको फाइन करा दूँ कहाँ से कहाँ के लिए। ये देखना यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर के इस हिस्से में और इस हिस्से में आपको झंपड़ कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। यहाँ रीडिंग नहीं आती तो दोस्तों आपको प्लस पॉइंट से आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिले के इस पार पे झंपड़ कर देना है। क्योंकि दोस्तों ये झंपड़ इसलिए बोल रहा हूँ, ये आईसी से दोस्तों इस आईसी के अंदर होते हुए इस पॉइंट में आता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें डायरेक्ट इस पॉइंट में मार देना है, और हमारे इन आईसीयू में कनेक्शन होते हुए यहाँ पे पीडब्ल्यू आईसी में यहाँ पे चला जाता है। तो इसे दोस्तों मैं ऑन करता हूँ। अब मेरा सेट ऑन होता है और देखते हैं क्या कंडीशन होती है मेरे नेटवर्क आईसी की। दोस्तों आप चेक कर लीजिए ये जम्पर हटा के, आपका जो नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम है वो होने लगेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये जम्पर मारोगे तो आपका नेटवर्क का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो दूर हो जाएगा। और दोस्तों मेरा ऑन भी सेट हो गया है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।